सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को, जिससे आप हमारे वीडियो से संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज 28 दिसंबर सुबह 9 से 11 बजे की शिफ्ट के क्वेश्चन। मित्रों, 3 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया है क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं बाहर था, सफ़र के दौरान मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर चूंकि अब मैं वापस लौट के आया हूँ इसलिए मैंने आपके लिए आज का वीडियो लेके आया हूँ। आप देखते रहे हमारे वीडियो को ध्यान से। अब पटवारी की परीक्षा में केवल 1 दिन बचा है, परंतु जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। मित्रों, सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो और हमारे वीडियो को भी सपोर्ट हो। मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाएं ज़रूर। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो उसके बाद इस प्रकार का बेल आइकॉन आएगा, इसको दबा दें आप। इसको दबाने से आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे आगे आने वाली वीडियो के। मित्रों, जल्दी ही मैं आपके लिए, क्योंकि पटवारी की परीक्षा खत्म हो रही है, संविदा की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए वीडियो डालना प्रारंभ करने वाला हूँ। उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैं वीडियो में समझाऊंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे इसीलिए आप बेल आइकॉन वहाँ से दबाएं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो मित्रों, आज जो क्वेश्चन आया उसमें पहला क्वेश्चन, सिंहस्थ मेला किस नदी के किनारे लगता है? सिंहस्थ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये है छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन में लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? तो मित्रों, ये हुई 1969 में। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1969 में हुई। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवंबर माह में कितनी जिला पंचायतें थीं? अर्थात कहने का तात्पर, नवंबर माह तक मध्य प्रदेश में कितनी जिला पंचायतें थीं? 51 जिला पंचायतें थीं, 51 जिलों की 51 जिला पंचायतें। अगला प्रश्न, शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका उत्तर है मित्रों, हैदर अली ने। हैदर अली ने शाहजहाँपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो मित्रों, इसका उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। अगला प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों, विश्व शरणार्थी दिवस या वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो मित्रों, ये जयप्रकाश नारायण, इनसे जुड़ी हुई योजनाएं काफ़ी आती है। इनका जन्मदिन, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो मित्रों, अहिल्या देवी पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में, खरगोन में है। अगला प्रश्न, वोट डालने की उम्र 21 से 28 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो मित्रों, ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई 1989 में। ये मैंने मित्रों प्रातः समय अपने विद्यार्थियों को बताया भी था कि 1989 में 2 संविधान संशोधन पेश किए गए, मुख्यतः जिसमें 64वां जो संविधान संशोधन था वो था ग्रामों में पंचायती राज लागू करने के संदर्भ में। मतलब 64वां जो संविधान संशोधन था, ये पहला ऐसा संविधान संशोधन था जिसको कि संसद में पेश किया गया पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए, परंतु 1989 में उस समय ये लोकसभा में पास हो गया परंतु राज्यसभा में फेल हो गया था, इसीलिए 64वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज लागू नहीं हो पाया, जो कि आगे चल के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में लागू हुआ। तो मित्रों, वो जो 64वां संविधान संशोधन था जो 1989 में आया था, उसी समय 1989 में राजीव गांधी की पहल पर ये 61वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें कि वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन जिसमें वोट देने की लिए उम्र सीमा 21 से 18 कर दी गई, ये और 64वां संविधान संशोधन जिसमें प्रथम बार पंचायती राज को लागू करने का प्रयास किया गया परंतु असफल रहा, तो ये 64वां संविधान संशोधन कब आया था? ये दोनों संविधान संशोधन 1989 में आए थे। अगला प्रश्न है, मालवा उत्सव 2017 कहाँ मनाया गया?
तो मित्र मालवा उत्सव जो कि इंदौर मांडू उज्जैन में मनाया जाता है, ये वर्ष 2017 में इंदौर में मनाया गया। ध्यान रखेंगे मित्रों, मालवा उत्सव 2017 कहाँ मनाया जाता है, तो इंदौर में, मांडू में और उज्जैन में। अगला प्रश्न, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 1936 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो मित्रों ये जो राष्ट्रीय उद्यान था जिसे 1936 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, इसका नाम है हेली का राष्ट्रीय उद्यान। इसी का नाम आगे चलकर मित्रों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना। तो अगर प्रश्न आता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप उसमें लिखेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये था हेली का परंतु उसका नाम हो गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, संत कबीर व रविदास जिले किस राज्य में है। तो मित्रों संत कबीर व रविदास जिले उत्तर प्रदेश में है, यह आप ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब स्थापित हुआ, तो मित्रों राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में स्थापित हुआ। मित्रों अगर आप इनको ना लिख पाए क्वेश्चन को, तो इनका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप बाद में इन क्वेश्चनों को बता सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भाजपा की स्थापना कब हुई, ये मित्रों 6 अप्रैल 1980 को हुई भाजपा की स्थापना। कब हुई मित्रों, 6 अप्रैल 1980 को। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद अलीराजपुर किसका हिस्सा बना। मित्रों स्वतंत्रता के बाद अलीराजपुर मध्य भारत का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के बाद अलीराजपुर किस स्टेट का हिस्सा बना, मध्य भारत का। अगला प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है। मित्रों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। क्रांतियां आपने पढ़ी होंगी, सभी क्रांतियां आप पढ़ लें एक बार फिर। चंदेरी में 15वीं शताब्दी में बने मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों चंदेरी में 2-3 मकबरे हैं और कई सारे अन्य स्थान हैं प्रसिद्ध, इसमें से 15वीं शताब्दी में जो मकबरा बना उसे जाना जाता है हजरत कमाल शाह का मकबरा। अगला प्रश्न, अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो मित्रों अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति भील, भिलाला, मानकर, बारेला, इस प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं अलीराजपुर में। इसमें से प्रमुख जनजाति कौन सी है, इसमें 3 आपको अलग दी होंगी, इन चारों में से एक उत्तर दिया होगा। तो प्रमुख जनजाति कौन सी है, उसमें इन चारों में से जो दिया होगा वो आंसर आएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संबंधित है। तो मित्रों आप भली प्रकार से परिचित होंगे, संविधान का 273वां अनुच्छेद, 273वां अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। तो मित्रों इसमें भी वही दिया होगा, जहाँ पे नहीं होंगे वो राज्य दिया होगा आपको, बाकी 3 राज्य होंगे जो दिए हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2018 में कहाँ कहाँ चुनाव होंगे। अगर आपको ये याद है कि कहाँ कहाँ होंगे तो कहाँ नहीं होगा वो आप लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान, इन चारों राज्यों में वर्ष 2018 के अंत तक चुनाव हो जाएंगे। कौन कौन से मित्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान, यहाँ पर 2018 के अंत तक चुनाव हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। तो इन चारों राज्यों में होंगे। अब ये 3 राज्य दिए होंगे आपको, 3 दिए होंगे इसमें से, और एक चौथा कोई और दिया होगा, जैसे आंध्र प्रदेश दिया हो या कोई और दिया हो, वो आपका उत्तर होना चाहिए। चलिए मित्रों, लाइक करते रहे हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप जुड़े रहिए हमसे। मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कहा, पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया और अब आपको रेगुलर में वीडियो डालूंगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जल्दी मैं संविदा के लिए वीडियो की सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें संविदा का गणित, गणित प्रतिदिन, बाल मनोविज्ञान और अन्य सब्जेक्ट की मैं आपको वीडियो डालूंगा। इसके अलावा उसमें टेस्ट पेपर की सीरीज भी डालूंगा। तो अगर आप संविदा में ये ना सोचें कि जल्दी एग्जाम नहीं है, एग्जाम के लिए तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगी, तो आप तैयारी चालू कर दें। लगभग 1 तारीख से तो आप तैयारी चालू कर ही दें और आप वीडियो देखते रहें। धन्यवाद मित्रों।